भले दुनिया भर में मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हो रही है और भारत में भी मिशन इम्पॉसिबल का रिलीज है, लेकिन हमारी ये पेशकश मिशन इम्पॉसिबल से बिल्कुल उलट मिशन पॉसिबल है। और ये मिशन पॉसिबल हम शेयर बाजार से इसको कनेक्ट कर गए, आपके सामने वो ऐसे शेयर रख रहे हैं जो कि अपने आप में बेहतरीन है, इसलिए उसका हमने नाम दिया मिशन आई एम पॉसिबल। इसलिए इसकी वजह भी है क्योंकि वो सारे के सारे शेयर जो दमदार शेयर हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से नीचे हैं, लेकिन वो अपनी वैल्यूएशन से, अपने आंकड़ों से, अपनी थीम से, अपने नंबर से और अपने जज्बे से ये बताते हैं कि वो पॉसिबल रह सकते हैं, वो आई एम पॉसिबल है। आने वाले दिनों में दे आर पॉसिबल, तो ये पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर हमेशा रहेगी और इसी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के साथ हम आज कर रहे हैं मिशन आई एम पॉसिबल। तो इस पॉसिबल के अंदर हम आपके सामने 10 शेयर रखने वाले हैं। खैर, इस मूवी के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्रिलर मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, ये छठवां पार्ट है, बता रहे हैं सारे पार्ट देख लिए हैं, तो काफी स्टडी है, लगता है टॉम क्रूज के काफी बड़े फैन हैं। बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी और जब फर्स्ट पार्ट भी आई थी तब से ही मैं इस मूवी को, मतलब मैं इस पूरी फ्रेंचाइजी की, टॉम क्रूज की तो नहीं लेकिन मिशन इम्पॉसिबल जो फ्रेंचाइजी है उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बिल्कुल मैं देखने जाऊंगी। इनफैक्ट मेरा प्लान भी है, सस्पेंस है और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। अभी तक मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने ना, अभी तक क्या हुआ था, इथन नाम है उनके कैरेक्टर का, तो अभी तक उन्होंने अपने वाइफ को ना काफी सीक्रेट में रखा था ताकि उनके ऊपर कुछ ना आए, लेकिन इसमें उनकी वाइफ भी है तो ये एक सरप्राइज है और बाकी तो सरप्राइज पूरी मूवी में रहता ही रहता है। और बिल्कुल, और इस मूवी से हम शेयर बाजार को भी रिलेट कर सकते हैं, एक्शन थ्रिलर पूरा बिल्कुल थ्रिलर है, जैसे ही लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम हो रही है, एकदम से नया हाई बन जाता है, एकदम से जब ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, नया हाई बन जाता है, जब ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, एकदम से जंप मार के मार्केट अपने ऊपर स्तरों पर पहुंच जाता है, सब कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसा नया निकल के आता है जो कि पॉसिबल हो जाता है, बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल से इम्पॉसिबल की कहानी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमारी ये सीरीज है मिशन आई एम पॉसिबल, उसमें आपके सामने 10 बेहतरीन शेयर रखने वाले हैं और ऐसे शेयर होंगे जो कि आप थोड़े ऊपरी स्तर से कमजोर तो जरूर हैं लेकिन फंडामेंटल हर पैमाने पर कहीं ना कहीं ठीक दिख रहे हैं, वो आप शेयर बनाइए और अपने पोर्टफोलियो को भी ऐसा पॉसिबल कर दीजिए, ऐसा बेहतरीन बना दीजिए कि पूरे साल भर चिंता करने की जरूरत ही ना हो। ये अगस्त के महीने की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ अगस्त सीरीज में ये बेहतरीन शेयर आपके लिए है मिशन आई एम पॉसिबल। तो दीपाली आपसे शुरू करें, पहला शेयर पहले बताइए आपने किस ब्रांड का कोट पहना हुआ है, ये छोड़ जी बताइए कि मुझे मालूम है कि कौन सी ब्रांड, ये रेमंड्स का तो मैंने जो पहला स्टॉक चुना है वो रेमंड्स का ही चुना है। ओके गुड, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि इस शो की थीम यही है कि हमने बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले स्टॉक पिक किए हैं जो वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे हो गए हैं और हाल ही की गिरावट के बाद अब वो चलेंगे, यानी इसीलिए उनके लिए अब मिशन है परफॉर्म करना और बाजार के अपने इंडेक्स की स्पीड को मैच करना, तो इसलिए हमने रेमंड को पिक किया है और रेमंड जरूर बाजार की स्पीड को मैच करेगा, अभी भले ही नहीं कर पाया हो। और देखिए बहुत सारी वजह है, पहली बात तो बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की, आप देखिए जो ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक लगभग 27% लुढ़क चुका है, तो आप देखिए वैल्यूएशन काफी बेहतर होगी, पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके अलावा अगर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो वो भी करीब 22 रुपए के आसपास है और पीई है करीब 38 के आसपास, तो यानी वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है, इन स्तरों पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है निवेश का वो काफी पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें खरीदारी की सलाह क्यों है, आप देखिए फैब्रिक और ब्रांडेड अपेरल के कारोबार में है ये, और दूसरी बात यह है कि कंपनी के पास कई जाने माने ब्रांड्स है, पार्क एवेन्यू को प्लस नाम के कंपनी के बड़े ब्रांड है जिनका, और इनफैक्ट रेमंड एक ऐसी ब्रांड है डिम्पी की शादी हो, पार्टी हो, कभी भी किसी भी फंक्शन में, कैजुअल्स हो, ऑफिस वेयर्स हो, तो कभी भी सारे मासेस को एक कैटर करता है और इसीलिए इसकी इसको इसकी ब्रांड को लेकर जो व्यू वो काफी पॉजिटिव है। सबसे बड़ा सूटिंग ब्रांड है ये भारत का और हाल ही में ये कंपनी डिम्पी सूट से अब सीधे रियल एस्टेट में भी उतरी है, तो रियल एस्टेट कारोबार में भी इन्होंने वेंचर किया है, तो डाइवर्सिफाई कर रही है और इसीलिए यहां से जो परफॉर्मेंस इस कंपनी की वो आगे भी काफी बेहतरीन रह सकती है और खरीदारी की सलाह इसीलिए आ रही है यहां पर काफी स्टॉक ब्रोकिंग की ओर से और 1138 ये टारगेट्स दिए जा रहे हैं, यानी 800-850 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, यहां से भी 200 रुपए का मुनाफा हो सकता है, 200 रुपए का मुनाफा यहां से भी हो सकता है, इसलिए शेयर भले ही 27% अपने ऊपरी स्तर से टूटा हो लेकिन ये फिर से और तेज हो सकता है। एक और बेहतर बात, जिस रियल एस्टेट की बात हो रही है, ये रियल एस्टेट मुंबई में है जो कि भारत की सबसे महंगी जमीनों में से एक है, वहां पर इनका लैंड बैंक है, अभी तो डेवलप नहीं हुआ और कई एकड़ों में इनके पास लैंड बैंक है, जो डेवलप होगा तो री रेट भी हो जाएगा, बिल्कुल ये अपनी रियल एस्टेट से ही री रेट होगा और रेमंड्स पे आप जरूर
एक बात ध्यान रखें, न केवल फैब्रिक का बड़ा ब्रांड और एक रिटेल फ्रेंचाइजी भी इनकी और तेजी से बढ़ी है और ये रियल एस्टेट से नई री रेटिंग का कैंडिडेट बन रहा है। तो ये अपने ही भाषा, अपने ही लैंग्वेज, अपने ही नंबर्स, अपनी बैलेंस शीट और अपने ट्रिगर से कह रहा है कि आई एम पॉसिबल और इसके अंदर बढ़त आ सकती है। आगे बढ़ते अब चलते हैं और एक और शेयर जानने के लिए पूजा के पास। पूजा, आपकी तरफ से पहला पॉसिबल शेयर। पहला पॉसिबल शेयर होगा मेरी तरफ से अवंती फीड्स। देखिए ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक करीब 50% से ज्यादा टूट चुका है, लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, क्योंकि इनके सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है वो अवंती फीड्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। देखिए पहले तो ये श्रिम्प कारोबार की अगर इनकी हम बात करें तो उसको लेकर काफी सारी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। श्रिम कारोबार में कंपनी का करीब 50% का मार्केट शेयर है और यहाँ पर जो श्रिम की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसका सीधे सीधे इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केट शेयर के लिहाज से ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो काफी ज्यादा फायदा अवंती फीड्स को आगे चलकर होगा। इसके अलावा फीड कारोबार में बेहतर ग्रोथ की भी आगे चल के उम्मीद की जा रही है अवंती फीड्स के लिए, और इनके भी काफी सारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं इस मार्केट शेयर को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा चीन से भी जो डिमांड आ रही है कंपनी के लिए वो भी काफी अच्छी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं और अमेरिका में भी जो ड्यूटी लगी है मौजूदा भाव में वो भी डिस्काउंटेड हो चुकी है, तो जितने भी तमाम खबरें इस सेक्टर को निकलकर से जुड़ी हुई जो आ रही है वो अवंती फीड्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और जो पिछले कुछ हफ्ते में कुछ दिनों में हमने जो गिरावट देखी है, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय अवंती फीड्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एडवाइस की खरीदारी की राय आ रही है इस शेयर पर और इनका मानना है कि 530 के लेवल से स्टॉक में आगे चल के देखने को मिल सकते हैं अवंती फीड्स। बिल्कुल 530 का टारगेट है। वैसे भी सरकार, भारत सरकार अपने आप में एक नई पॉलिसी पे भी काम कर रही है, इसको हम फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी कहते हैं। अगर अक्टूबर में आती है तो ये उसका सबसे बड़ा प्रबल दावेदार हो सकता है, ना केवल अब अमेरिका बल्कि चीन भी इसका एक और नया देश है जहां पे एक्सपोर्ट करेगा। तो अपने आप में री रेटिंग का कैंडिडेट और ये अपने ही आंकड़ों से, अपने ट्रिगर से और अपनी वैल्यूएशन से कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। पॉसिबिलिटी 530 तक के टारगेट की है। तो इस सीरीज में मिशन आई एम पॉसिबल में दूसरा शेयर आपके सामने हो गया अवंती फीड्स। अब चलते हैं मानसी के पास और एक और चीज जो इस हमारी इकोनॉमी के अंदर अपने आप में बड़े परिवर्तन के तौर पर है वो है हमारी क्रूड के ऊपर निर्भरता कम होना और गैस का बास्केट बढ़ना। तो गैस के सारे शेयर कहीं ना कहीं री रेटिंग हो रही है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो 70,000 करोड़ रुपए की थी, अभी जो लाइसेंस बांटे गए उसमें गुजरात गैस भी है। जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी और भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गुजरात गैस लिमिटेड ऊपरी स्तरों से लगभग 22% के आसपास की गिरावट देख चुका है, लेकिन फिर भी यह स्टॉक कहता है कि आई एम पॉसिबल। इसके कारण है, सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं, पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी सर्विस मुहैया कराती है। गुजरात में कुल 23 शहरों में अपनी सर्विस ये कंपनी दे रही है, साथ ही डोमेस्टिक यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज या कमर्शियल यूजेज, इन तमाम यूजेज के लिए ये कंपनी गैस सर्विस, नेचुरल गैस सर्विस मुहैया करवाती है। पाइप नेचुरल गैस की अगर बात की जाए एलपीजी से, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है और कुल 12.5 लाख की आबादी को ये पीएनजी सर्विस मुहैया करवाती है। और साथ ही सीएनजी सर्विस की अगर बात की जाए, गुजरात गैस लिमिटेड सीएनजी सर्विस का भी प्रोडक्ट जो है उसको बेचती है। और इसकी अगर बेनिफिट्स की बात की जाए, इकोनॉमिकल है ये, कलरलेस है सीएनजी, पॉल्यूशन फ्री है और साथ ही ये गैस जो है लाइट इन वेट है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके कारण ये कंपनी है जो आगे भी बढ़ती चली जा सकती है। और इसके कारण कंपनी की कुल आय जो है 60% हिस्सा एक शहर से आता है जो है मोरबी, और मोरबी में पीएनजी की मजबूत मांग रहने का अनुमान है। तो ये एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए जो इसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसी के साथ गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में ये कंपनी नए बाजार में उतरने की भी कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने बताया 33 शहरों में कंपनी ऑलरेडी अपना कामकाज चला रही है, लेकिन आगे चलकर अन्य देशों, अन्य शहरों में भी ये उतरने की कोशिश कर रही है। और साथ ही में कोयले की बढ़ती कीमतों से गैस की मांग बढ़ने का पूरा अनुमान है, जो कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साबित हो सकता है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, बाय रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट्स 1170 के लिए, 1170 तक का टारगेट है। और एक अनुमान के मुताबिक अभी प्राइजेस में अगर आप डीजल के प्राइजेस, पेट्रोल के प्राइजेस को गैस से कंपेयर करेंगे तो 50% से ज्यादा सस्ते हैं।
अगर आपका एक फ्यूल जो 50% सस्ता है उसके ऊपर सरकार निर्भरता बढ़ाना चाहती है, उसकी गैस कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, तो आप इन शेयर को कैसे री रेटिंग से रोक सकते हैं? और इनके पास हमेशा गुंजाइश रहेगी, पेट्रोल के दाम कुछ बढ़ने पर दिखेंगे लेकिन इनके बहुत बढ़ने पर भी नहीं दिखेंगे, तो गैस के दाम भी अगर बढ़ जाते हैं तो आपको चिंता की बात नहीं है, जो कि इनकी बैलेंस शीट में हमेशा की तरह ठीक ही साबित होगा। और पीएनजी का इंपोर्ट भारत के अंदर तेजी से बढ़ रहा है और हमने कई देशों के साथ सस्ते करार भी किए हैं जिससे कि भारत में पीएनजी सस्ती दरों पर भी आ सकती है। गुजरात गैस उस लिहाज से भी है, इसलिए अपने ट्रिगर के बेसिस पर, अपने आंकड़ों के बेसिस पर, एक्सपेंशन के बेसिस पर यह इस लिस्ट का तीसरा शेयर मिशन आई एम पॉसिबल में गुजरात गैस। अब आते हैं चौथे शेयर की तरफ से और वो दीपाली के पास है। वो है बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक, वो है कजारिया सेरामिक्स का। अब आप देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मॉनसून का फायदा होगा, रूरल इकोनॉमी बेहतर करेगी उसका फायदा होगा, और अब जैसा मॉनसून हो रहा है बॉम्बे के साथ साथ दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में झमाझम बारिश हो रही है, तो उसको लेकर भी जो डिमांड है रूरल इलाकों की वो काफी बढ़ने की संभावना है, वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली फायदा होगा। अगर रूरल एरियाज में डेवलपमेंट्स होंगी, मकान बनेंगे, ऑफिसेस बनेंगे, तो उसका फायदा पहुंचेगा। दूसरे एक रियल एस्टेट सेक्टर में भी डिम्पियम रिवाइवल के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो अगेन उसका बेनिफिट इसको मिलेगा, क्योंकि कंपनी बाथवेयर सेगमेंट में है, टाइल्स सेगमेंट में है। टाइल्स कंपनी जो मेन मुख्य कारोबार है वो टाइल्स बनाने का है, फ्लोर टाइल्स हो, वॉल टाइल्स हो, ये सब तमाम प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। अच्छा, पिछले कई क्वार्टर्स में ये स्टॉक क्यों अट्रैक्टिव है, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगेन वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है, ऊपरी स्तरों से 40-45% गिर चुका है। इसलिए गिर चुका है क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव था और रेवेन्यू पर भी दबाव था। दबाव इसलिए था क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो है, जो नेचुरल गैस कॉन्स्टिट्यूट करती है इनकी फ्यूल कॉस्ट को, वो पिछले एक साल में लगभग 25% बढ़ी है, लेकिन अब नेचुरल गैस के जो दाम है वो स्टेबलाइज हुए हैं, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो एक तो इनको उसका एडवांटेज मिलेगा पहली चीज। दूसरा ये कि बेहतर मॉनसून, रूरल इकोनॉमी में रिकवरी से मांग बढ़ेगी, वो दूसरा बड़ा इनके लिए पॉजिटिव है। तीसरा बड़ा पॉजिटिव है जीएसटी का रोल आउट, और अब जैसे ईवे बिल की बातचीत हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ईवे बिल लागू होने के बाद जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो टैक्स से बच रहे थे वो नहीं बच पाएंगे, जिसका फायदा अगेन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को होगा, तो ये तीसरा बड़ा ट्रिगर है कजारिया सिरामिक्स के लिए। ऊपरी स्तरों से गिर चुका है, आगे का आउटलुक मजबूत है, और इन हाल ही के जो नतीजे आए हैं उसमें कंपनी के 7-8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, लेकिन इन नतीजों के बावजूद जो हाल ही में ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो यही कह रही हैं कि आने वाले क्वार्टर्स गेम चेंजर हो सकते हैं, इनपुट कॉस्ट इनकी कम हो सकती है, फ्यूल कॉस्ट कम हो सकती है क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं। दूसरा ये कि जीएसटी का जो इंपैक्ट इनको अब तक मिला नहीं है, मतलब पार्शली मिला है, और डिमांड भी रूरल एरिया से और साथ ही साथ अर्बन एरिया से बढ़ सकते हैं, इसीलिए खरीदारी की सलाह है कजारिया सिरामिक्स में। आईडीएफसी मानता है वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, 29 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, खरीद कर चलिए स्टॉक को 489 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 490 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। एक और अहम बात यह है कि यह देश की वो कंपनी में से एक है जिसके सबसे ज्यादा रिटेल फ्रेंचाइजीज हैं, यानी कि आउटलेट्स हैं सेरेमिक्स के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात हुआ है स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज में सब कुछ स्मार्ट होगा तो घर भी स्मार्ट होंगे, और उसमें टाइल्स का इस्तेमाल क्लासिकल ट्रेडिशनल घरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। एक और चीज है डिस्पोजेबल इनकम, हमारा डिस्पोजेबल इनकम का अब करीब 30% हिस्सा घर के रखरखाव पर, उसके ठीक करने पर होता है, जो कि बड़े शहरों में, अब छोटे शहरों में भी यह प्रथा धीरे धीरे बढ़ी है। साथ ही ईवे बिल वाला तो आपको बताया, और एक और चीज है वो है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। इंडिया में जैसे से ग्रोथ होगी तो ग्रामीण से शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन जो होगा उसका सबसे पहला नंबर वो होगा कजारिया सेरेमिक्स का, इस लिहाज से भी इसको आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए दीपाली जो कह रही है कि आप एक रिपोर्ट भी है इस पे खरीदारी की आईडीएफसी की, वो काफी दमदार दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब ग्रोथ की बात होगी, पैसे की बात हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो एंटरटेनमेंट की बात कैसे छूट जाए? भारत एंटरटेनमेंट में भी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है, तो शायद पूजा आपके पास वही शेयर है। जी, तो डिस्पोजेबल इनकम की आपने बात की कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो घरों में और स्मार्ट में, घरों में तो करेंगे ही खर्च, लेकिन डेल्टा कॉफ है मेरी रडार पर, एंटरटेनमेंट में भी फिर खर्च किया ही जाएगा, कस्टमर जगह पर भी खर्च होगा ही। फिर तो डेल्टा कॉप है, ये ऊपरी स्तरों से 40% टूट चुका है, लेकिन 3-4 न्यूज जो है इससे रिलेटेड वो इसके फेवर में काफी ज्यादा है, और इसी की वजह से ये जितने भी सारे ब्रोकरेज हाउस है उनकी रडार पर ही आ चुका है, काफी पॉजिटिव है डेल्टा कॉप के आगे की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दमन में कैसीनो को जल्द मंजूरी की उम्मीद यहां पर की जा रही है,
वो इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। सिक्किम में जो एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है उससे मांग बढ़ेगी, एक टूरिज्म आएगा तो उसकी वजह से भी एक डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, वो डेल्टा कॉर्प के लिए काफी पॉजिटिव होगी। और गोवा में जो लाइसेंस फीस है वो बढ़ जाएगी, तो छोटे जितने भी कैसीनो हैं उनके वो बंद हो जाएंगे, और अगर ऐसा कुछ होगा तो डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है अगर ये लाइसेंस फी बढ़ जाती है तो इसका फायदा सीधे सीधे डेल्टा कॉर्प को होने की बात की जा रही है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर आगे का आउटलुक भी देखें तो वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बात की जा रही है कि इनके नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे, और FY20 में अगर इनके मुनाफे की बात करें तो 50% तक मुनाफा वित्त वर्ष 20 तक बढ़ने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। तो डेल्टा कॉर्प पर नजर रखिए, आगे की ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी है और तमाम जो इसके आसपास इस सेक्टर से जुड़ी जो खबरें भी आ रही हैं वो भी काफी पॉजिटिव होंगी आगे चलकर डेल्टा कॉर्प के लिए। यहाँ पर बाय रेटिंग आई है एमके की तरफ से, जिसमें कि उनका मानना है कि 290 के ऊपर के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, यहाँ पर 6 रुपए के EPS इस कंपनी का है, और खरीदारी की राय एमपी की तरफ से, और इनका मानना है कि 294 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, डेल्टा कॉर्प उस लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से एक बेहतरीन यहाँ पे कंपनी है। और एक और दूसरी बात, सरकार ने जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने बात साफ की कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो इस पर एक्सपेंशन हुआ गांव तक पहुंचाई गई वो नॉर्थ ईस्ट में था, जहां पे सिक्किम भी आता है। सबसे ज्यादा सड़कें अगर किलोमीटर के हिसाब से तेजी से बनाई गई जिसको देश से कनेक्ट किया गया वो था नॉर्थ ईस्ट, जिसमें सिक्किम भी आता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सरकार टूरिज्म के तौर पर इन 7 सिस्टर्स को बहुत तेजी से बढ़ावा देगी, ये भी सिक्किम का एक हिस्सा है, और हो सकता है अब देश का नया टूरिज्म प्लेस गोवा के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट ही हो। और गोवा और सिक्किम दोनों में ही डेल्टा कॉर्प की प्रेजेंस अपने आप में काफी स्ट्रांग है, और जो उड़ान स्कीम है उसमें कम से कम 6 नए एयरपोर्ट इसी नॉर्थ ईस्ट में ही लग रहे हैं, इसका बेनिफिट भी है। और आपको ध्यान होगा गैम्बलिंग को लेकर एक कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, इन्होंने गैम्बलिंग को ऑफिशियली करने की बात भी है, वो भी डेल्टा कॉर्प के हक में जाती है। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, एमके की रिपोर्ट इसको दमदार दे रही है, तो इसलिए अपने लेवल्स के, अपने ट्रिगर्स के बेसिस पर ये कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। ये खास सीरीज जारी है और लगातार हम आपके सामने ऐसे शेयर रख रहे हैं जो ऊपर से कमजोर तो हुए लेकिन अपने फंडामेंटल मजबूत रखते हैं, इसलिए जहां पे पॉसिबिलिटीज नहीं है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम तलाश के आपके सामने लेके आए हैं। मानसी के पास ऐसे ही एक और शेयर भी है। मानसी जी, बिल्कुल, दूसरा शेयर वाटर ट्रीटमेंट कारोबार में एक जाना माना नाम वाटिक बाबा, ये एक दूसरा शेयर है मेरी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो ये ऊपरी स्तरों से 46% गिर चुका है, तो एक बेहतरीन मौका है, अच्छा तरीका, अच्छे मौका है इस शेयर को खरीदने के लिए। कंपनी की अगर बात की जाए तो 10 या 20 साल से नहीं, 90 साल से कंपनी अपने कारोबार में कार्यरत है, तो एक्सपीरियंस्ड ये कंपनी 90 साल से अपने कारोबार को चला रही है, और साथ ही देश में, भारतीय देश में, सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनी अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में कंपनी कामकाज करती है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी के साथ अगर एनवायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण के लिए भी कंपनी काफी कुछ भविष्य को लेकर सोच रही है। कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कई प्रोजेक्ट्स पर आगे चलकर कामकाज करने वाली है, और फिलहाल भी कई सारे कामकाज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कंपनी कर रही है। सितंबर 2018 में जेनको प्रोजेक्ट से कंपनी को लगभग 400 से 500 करोड़ मिलने की संभावना है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर माना जाएगा, कंपनी के आय में इसमें इजाफा होगा, ये प्रोजेक्ट से 400 या 500 करोड़ जब मिलेंगे तब। और साथ ही क्वार्टर 3 FY19 तक कंपनी की बैलेंस शीट में जो दबाव है वो भी कम होने की पूरी संभावना है। एक रिपोर्ट है ICICI डायरेक्ट की, 550 के लक्ष्य के लिए ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वाटर विभाग ना केवल ये भारत की कंपनी बल्कि तो ग्लोबल प्रेजेंस वाली कंपनी है, और एक और अच्छी चीज है जो कि भारत सरकार अगले 6 महीने में करने वाली है, इसलिए कह रहे हैं कि ये पॉसिबल शेयर है, वह गंगा का क्लीन होना। और सरकार ने यह कहा है कि चुनावों तक, देखिए चुनावी मुद्दा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गंगा किस स्तर पर कितनी क्लीन होती है उसमें वाटर विभाग के ऑर्डर्स का भी बहुत बड़ा रोल होगा, इनको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं और कितनी स्पीड से काम करते हैं। खैर, इनके दूसरे और सेगमेंट भी है जो कैपिटल गुड से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि 7% की GDP बिना मैन्युफैक्चरिंग, बिना कैपिटल ग्रोथ के पाना मुश्किल लगता है, और हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वाटर विभाग किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड ही है। ये शेयर इस लिस्ट में आता है, इसलिए मानसिक लिस्ट में ICICI डायरेक्ट भी कह रहा है 550 के टारगेट पे इस पे खरीदारी करें। अब एक और शेयर जो कि अपनी आंकड़ों, अपनी वैल्यूएशन और अपने ट्रिगर के बेसिस पे कहेगा आई एम पॉसिबल, वो दीपाली के पास है। और मेरे से ज्यादा बेहतर विश्लेषण उसका डिम्पी कर सकते हैं बट क्योंकि डिम्पी ने मेरे से पूछा तो मैं बता देती हूँ, वो है NCC का। NCC और NCC के शुरुआत में ऑर्डर से करती हूँ डिम्पी।
आप देखिए FY 16 में जो इनकी ऑर्डर बुक थी टोटल वो थी 7400 करोड़ की, FY 17 में ये हुई 7700 करोड़ की, yes. और FY 18 में ये हिस्टोरिक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है 24700 करोड़, बिल्कुल मतलब 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक, और जो अब बढ़कर ऑलमोस्ट 2900 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब इनका जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक आप देखेंगे वो हाईएस्ट एवर लेवल पर है जो कि 30,000 करोड़ के आसपास है, और इस मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से आने वाले 2 से 3 सालों के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप देखिए हम जो स्टॉक से मूवमेंट आता है वो अर्निंग्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से आता है, और अगले 2 से 3 सालों में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत दमदार रहने वाली है इसी मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से। कुछ और फैक्टर्स बता देते हैं, ये तो पता ही है कि कंपनी बिल्डिंग डिवीजन में है, रोड और वाटर डिवीजन में भी है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और है वो ये है कि कंपनी का जो अंतरराष्ट्रीय कारोबार है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और मैनेजमेंट ने खुद हाल ही में कहा है कि अगले 6 से 12 महीने में या 6 से 8 महीने में अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार को वो बंद कर देंगे। अगर वो ये कारोबार बंद करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट पर जो अंतरराष्ट्रीय कारोबार का नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो बैलेंस शीट कंपनी की बहुत मजबूत हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी मोनेटाइजेशन होता है रियल एस्टेट सेगमेंट में तो उसकी उसका फायदा इसको मिलेगा। कंपनी की अगर हम बाकी परफॉर्मेंस देखें मार्जिन्स के फ्रंट पर, जो भी इनके ज्यादातर ऑर्डर्स होते हैं उस पर डिसेंट मार्जिन ये करते हैं, इनका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ज्यादातर ऑर्डर्स जो इनके पोर्टफोलियो में है वो 12 से 24 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट करते हैं, तो बेहतर एग्जीक्यूशन है, मजबूत ऑर्डर बुक है, और भारतमाला प्रोजेक्ट इसके तहत भी इनको आगे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ऑलरेडी इनकी जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड स्तरों पर है लेकिन ये और मजबूत होगी यहां से ऐसी प्रोजेक्शन से, इसीलिए खरीदारी की सलाह है। और CLSA का व्यू भी यहां पर पॉजिटिव है। मैक्वायरी एक ब्रोकर है जो मानता है कि 177 के टारगेट के साथ खरीदारी करना चाहिए, पर 177, 180, 190 तक के टारगेट जिन पे अलग अलग हाउसेस की ओर से स्टॉक पर आए हैं। बिल्कुल सभी में टारगेट आते हुए, और ये अपने शेयर अपने ही वैल्यूएशन के बेसिस पर कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो NCC पे जरूर ध्यान रखें। ये देश की लाइफ लाइन के तौर पर जो सड़कें होती हैं, हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट है, इन सब पे कहीं ना कहीं इसका योगदान है। और जब देश की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक वाली कंपनी इस तरह के लेवल्स आपके सामने ब्रोकिंग हाउसेस रखती है तो निश्चित तौर पर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, इनका डेट धीरे धीरे उसको भी कम कर रहे हैं, और जैसे दीपाली ने कहा कि ये फॉरन में एक यूनिट को बंद करना चाहते हैं, अपना एक्सपेंशन को कारोबार को रोक के पूरा समेटना चाहते हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये रीस्ट्रक्चरिंग अंदर ही अंदर बैलेंस शीट में होगी, और जिस दिन ये शेयर आएगा ये अपने आप बिल्कुल कह के आएगा आई एम पॉसिबल, तो इसलिए आप इस शेयर के साथ भी रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पूजा के पास चलते हैं, लेकिन पूजा के पास शेयर जाने से पहले पूजा से, क्योंकि आपने 6 के 6, 5 के 5 मूवी देखे, छठी भी आप देखने वाली हैं, तो जरा मेरे को पहले आपका एक्सपीरियंस जानना है कि आप इस मूवी में आपको ऐसा क्या दिखता है, थ्रिल इसका एक्शन मेन तो थ्रिल है, एक्शन तो खैर एंजॉय करते ही है, मेन तो जो पूरी जो फ्रेंचाइजी है उसमें जो थ्रिल है, क्योंकि मैंने बताया जैसे नेम का जवाब गलत है, ये सिर्फ टॉम क्रूज की टॉम क्रूज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन थ्रिल मतलब काम होते होते ऐसा लगता है जैसे वो डूब रहा है, लग रहा है कि अब कुछ चांसेस नहीं है, नहीं बच सकते, खत्म हो चुका है, अचानक से कुछ होगा, कुछ ऐसा भी होता है कि एक ही गोली से 6 लोग मर जाते हैं इस मूवी में, जैसे होता है। हाँ बस ये होता है कि ये जंप जो कर रहे होते हैं ना एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, वो काफी कुछ होता है। डिम्पी जो कि मुझे सुमित बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस मूवी में जितने भी स्टंट्स किए हैं वो टॉम क्रूज ने खुद किए, और एक फ्री फॉल भी इन्होंने किया है इस मूवी के अंदर, तो वो काफी इंटरेस्टिंग फ्री फॉल। इसके पहले वाली जो मूवी थी आपको याद होगा एक पार्ट में अनिल कपूर भी थे उसमें, इसकी जो फोर्थ पार्ट आई थी उसमें अनिल कपूर भी थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, वो जो पार्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें वो बिल्डिंग चढ़ रहे होते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे पर, तो टॉम क्रूज का स्टंट बहुत कर किया। लेकिन पूजा क्योंकि इसका नाम मिशन इम्पॉसिबल है, क्या हर सीरीज में हर मूवी में मिशन चेंज होते हैं एक ही मिशन? नहीं नहीं, मिशन चेंज नहीं, हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग है और मिशन सब में चेंज होता है, मतलब अगर आपने एक पार्ट नहीं भी देखी हो तो आप दूसरी पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, अब तक कोई पार्ट नहीं देखा ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे, आपके सामने सारे के सारे शेयर रख रहे हैं, लास्ट में भी आपके सामने सारे के सारे शेयर्स रख देंगे ताकि अगर कोई मिस हो गया हो तो वो आपको वापस से मिल जाए। तो पूजा आपकी लिस्ट में से एक और शेयर। अब मेरे लिस्ट में आदित्य बिरला कैपिटल, जिसका कि विश्लेषण इसके बारे में भी डिम्पी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं क्योंकि इसका आपने सेगमेंट भी करा था, ये शेयर चलता क्यों नहीं है, और उस पे हमने काफी सारे रीजन वजह भी बताई थी, और वजह है भी ऊपरी स्तरों से देखिए करीब 40% ऑलरेडी ये स्टॉक गिर चुका है, लेकिन अभी भी इसमें वो पॉसिबिलिटी है कि आगे इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इसके क्वार्टर 2 के नतीजे, क्वार्टर 4 के ही नतीजे देख लें अगर, तो शानदार नतीजे थे, करीब 2 गुना
दोगुना बढ़ चुका था ये शेयर, दोगुना बढ़ा, माफ कीजिएगा, मुनाफे में यहाँ पर देखने को मिली थी। और बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार जितने भी हैं उसकी होल्डिंग कंपनी है, वो सभी के सभी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका किसी न सीधा फायदा आदित्य बिरला कैपिटल को मिलेगा। FY18 में हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक में दोगुनी बढ़त हुई थी, उसका भी फायदा काफी मिला था इसको। और आगे चलने आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, और छोटे शहरों पर इनका फोकस बढ़ाने की योजना है, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ाने की योजना आदित्य बिरला कैपिटल, जो जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार है उनकी, तो उसका भी फायदा आदित्य बिरला कैपिटल को मिलेगा। यहाँ क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और परफॉर्म की रेटिंग दी है और 175 का टारगेट ही देख रहे हैं। बिल्कुल, क्या इंश्योरेंस, क्या म्यूचुअल फंड्स, क्या इक्विटीज और क्या डेट की स्कीम्स, क्या करेंसी, सभी के अंदर ये डील करने वाली कंपनी है। और जिस ग्रामीण भारत में पेनिट्रेशन की बात हो रही है उसमें सिर्फ बिरला का नाम ही अपने आप में काफी है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोडक्ट बिरला की अलग अलग कंपनीज के पहले ग्रामीण भारत या फिर पूरे भारत के अंदर बिकते हैं। तो एबी कैपिटल इस लिहाज से अपने आप में बेहतर कंपनी, और यहां पे आपको रिपोर्ट भी आ रही है 175 के टारगेट के लिए। अब जल्दी से मानसी से और एक्स्ट्रा शेयर समझते हैं जो कि पॉसिबिलिटी वाला है। डिम्पी दीपाली ने कहा एनसीसी का विश्लेषण आप अच्छे से कर सकते हैं, पूजा ने कहा एबी कैपिटल का विश्लेषण, मुझे लगता है कि ये कंपनी का विश्लेषण भी आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सभी अच्छा कर रहे हैं, बता दे रही हूँ। कैडिला हेल्थ केयर, ये कंपनी यूएस में मजबूत प्रदर्शन से नतीजे बेहतर आए हैं कंपनी के, और इसी के साथ यूएस में मजबूत ग्रोथ जारी रहने का भी अनुमान है। कंपनी फिलहाल घरेलू कारोबार में थोड़ा सा कम दम दिखा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 साल के बाद घरेलू कारोबार में भी ग्रोथ की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। एक रिपोर्ट है एडलवाइज की, 510 के टारगेट्स के लिए यहां पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। बिल्कुल, ये कैडिला के साथ एक और चीज भी ध्यान देने वाली है कि चाइना के साथ अभी हमारे बायलेटरल करार्स हुए हैं, और उसमें कैडिला एक ग्लोबल कंपनी प्रेजेंट कंपनी है जिसमें 51% रेवेन्यू यूएस से ही आता है, तो इनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक और चीज इसके साथ है दीपाली जो मानसी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनके पास जितने यूएस FDA के लाइसेंस है ऑलरेडी अप्रूवल लेके बैठे हैं, बस इनको लॉन्च करना है, और एक लौती ऐसी कंपनी इसका सबसे ज्यादा अप्रूवल अभी इनके पास है, बस सिर्फ लॉन्च ही करना है, तो इसलिए अप्रूवल के झंझट में भी नहीं है। वैल्यूएशन इनकी अच्छी है, यहाँ पे इस लेवल पे समझा भी हुआ शेयर है। तो कैडिला हेल्थकेयर 33% टूटने के बाद अपने लेवल्स, अपने ट्रिगर के बेसिस पर कह रहा है आई एम पॉसिबल, जरूर इसको लिस्ट में आप जरूर रख सकते हैं। दीपे, हमने तो 3-3 स्टॉक्स बताया, अब आप शो में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही बनती है कि एटलीस्ट एक स्टॉक तो बताए। एक शेयर ऐसा होगा जो सब पे भारी होगा। अच्छा। वो है PVR। आगे तो अग्री, तो इसमें चाहे आप दवा वाली है, चाहे सड़क वाले हैं, चाहे किसी भी कंपनी है, और बता रही है इतनी बेहतरीन मूवी है, तो फिर तो लोग जाएंगे PVR मूवी। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। खैर अभी उसकी मंजूरी नहीं मिली कि अपना खाना आप साथ लेके जाएं, लेकिन हाँ वैसे आप मूवी देखने जरूर जा सकते हैं, अगर ये हो जाता है तो और भी बेहतर होगा। लेकिन खैर ऊपरी स्तर से क्योंकि शेयर 30% टूटा है, जिस ट्रिगर की वजह से टूटा वो ट्रिगर आपको मालूम ही है, हालांकि उसमें अभी रोक है, ये कब होगा, किस रूप में होगा, होगा भी नहीं होगा, इसको लेकर थोड़ा असमंजस है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ 20-25% वाला हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा सब कुछ ठीक है, अच्छी ग्रोथ है, डिस्पोजेबल इनकम है, अच्छी स्क्रीन्स हैं, ग्लोबल मार्केट में अभी इनकी प्रेजेंस होने वाली है क्योंकि गल्फ में ये नई स्क्रीन्स लगाना चाहते हैं। और दीपाली ने तो बकायदा इंटरव्यू भी किया था मैनेजमेंट का, तब उन्होंने ये भी कहा था कि आगे चल के अपने मार्जिन को भी मेंटेन रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इसमें दिखी है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो PVR हर लिहाज से ठीक है। और ग्रामीण भारत में यानी कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में PVR का एक्सपेंशन काफी जोरदार है, इसलिए आप इस शेयर पे भी जोर ध्यान रखें। इसलिए मिशन इम्पॉसिबल के 6 सीरीज, 5 जा चुकी, 6ठी आ रही है, आपको कोई चीज याद है नहीं याद है, लेकिन ये सारे शेयर अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि हम आपके सामने रिकैप कर रहे हैं। इसमें रेमंड्स आप इस पे ध्यान रखिए, दीपाली की तरफ से दिया गया शेयर, PVR पे आप ध्यान रख सकते हैं, कजारिया सर्विक्स भी दीपाली कह रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट भी है, खरीदारी है, फायदा मिलेगा, NCC भी उन्होंने ही आपको शेयर उसके साथ रीजनिंग भी बताई। इसके अलावा अवंती फीड्स, इस पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और ये पूजा की तरफ से दिया गया फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा प्लेयर आगे बन सकता है। डेल्टा कॉप भी उन्होंने आपको समझाया कि कैसे एंटरटेनमेंट का फायदा डेल्टा कॉप के हक में जा रहा है। AB कैपिटल भी उनकी लिस्ट में है और उन्होंने कहा कि यहां पे खरीदारी अच्छी खासी हो सकती है, रिपोर्ट्स काफी स्ट्रांग है और पूरे सेक्टर के रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट इनके पास है। गुजरात गैस, वाटर बाग और कैडिला शेयर्स मानसी ने आपको बताया अलग अलग रीजन से, इन सभी की एक ही बात है, वो बात है मिशन आई एम पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी हमेशा से आपको जीबिजनेस पे दिखती रही है, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हमेशा से आपको जीबिजनेस पे दिखती रही है, ये ना केवल आज है बल्कि आने वाले दिनों में भी रहेगी, ये हमारी कोशिश भी है और हमारी उम्मीद लगातार बरकरार है। तो मेरी टीम को दीजिए इजाजत इस मिशन आई एम पॉसिबल के शेयर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।